हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बात जो हर एक महिलाओं को समझनी चाहिए और अपनानी भी चाहिए, यदि आप जल्द से जल्द गर्भधारण करना चाहती हैं। हर महिला के पीरियड्स के दौरान से ही गर्भधारण की जो प्रक्रिया होती है, जो कि आपके पीरियड्स के बाद ओवुलेशन का फेज़ होता है, अंडा निकलता है महिलाओं के शरीर से और वो अगर निषेचित होता है तो गर्भधारण होता है, तो उसकी शुरुआत आपके पीरियड्स के दिनों से ही हो जाती है। क्योंकि हर एक महिला के शरीर में जब पीरियड्स का दिन पहला होता है, जब पीरियड्स आते हैं, उसी के दूसरे दिन से एक अंडा मैच्योर होना शुरू हो जाता है। इसलिए पीरियड का जो 3 दिन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कुछ ऐसी गलतियां जो आपको भूल कर के भी नहीं करनी है, ताकि आपका अंडा सही से बने, अंडा ठीक समय पे बाहर आए और फिर आपको गर्भधारण हो जाए। ये बात बहुत ज़रूरी है समझना हर एक कपल्स के लिए, हर एक महिला के लिए, ताकि वो ठीक तरीके से अपने पीरियड्स में केयर कर सके और अपनी एक की क्वालिटी को इन्हांस कर सकें। एक्चुअली में फ्रेंड्स, होता ये है कि कई बार आपने ये सुना होगा कि कुछ ट्रिक्स को फॉलो करके जो पीरियड्स के ही दौरान अपनाए जाते हैं, उनसे कंसीवमेंट हो जाता है। जिसमें कि सबसे पहला और सबसे खास टिप जो है वो ये है कि आपको हेयर वॉश करना है, नहीं करना है, किन दिनों में करना है, किन दिनों में अवॉइड करना है, ताकि उसका इम्पैक्ट जो है आपके बॉडी पे ना आए, आपके यूट्रस पे ना आए और आपको कंसीव हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जब आप सर धो लेती हैं, आपका जो सर है, हेड है, वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होता हुआ सर या तो आपके पूरे बॉडी टेम्परेचर को डाउन कर देता है, जिसमें कि यूट्रस भी ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है और कंसीव करने वाला जो टेम्परेचर चाहिए यूट्रस को, वो कई बार नहीं हो पाता है। और इसके कारण से कई सारी महिलाओं के पीरियड्स भी जल्दी आ जाते हैं डेट से पहले, या फिर फ्रेंड्स जो अशुद्धियां आपके शरीर से पीरियड्स के दौरान बाहर होती रहती है वो सडन स्टॉप हो जाती है और कुछ ऐसे डेड सेल्स टिश्यूज रह जाते हैं, पार्टिकल आपके यूट्रस के अंदर, जो कंसीव करने में दिक्कत बाधा पैदा कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बारीकी से हम इन बातों को समझेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप समझ जाए एग्जैक्टली कि आपको पीरियड्स के फर्स्ट डे से ही कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, सावधानी क्या रखनी है हेयर वॉश ट्रिक में, और फ्रेंड्स आपको कंसीव इसी महीने हो जाए। हेयर वॉश यानी बाल धोना, इससे संबंधित आयुर्वेद में काफी अच्छे से बताई गई बातें हैं कि महिलाओं को जब पीरियड्स डे 1 आता है तो उसके 3 दिनों तक हेयर वॉश यानी बाल बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। इसका क्या रीजन होता है? सबसे पहला रीजन ये होता है कि अगर आप कंसीव कर रही हैं और आपको जब पीरियड्स आते हैं, कंसीव करने की ट्राई कर रही हैं और पीरियड्स आते हैं जिस दिन, उसी के दूसरे दिन से अंडा बनता है और फिर 12वें या 14वें दिन वह शरीर से निकलता है, तो डे 1, डे 2 और डे 3 जो होता है, इन दिनों में जितनी भी अशुद्धियां आपके यूट्रस के अंदर होती हैं वो सब कुछ यूट्रस बाहर फेंकता है और उसके बाद फिर से एक दीवाल बनाता है आपके स्वस्थ गर्भारोपण के लिए। तो ये जो डेड सेल टिश्यू होते हैं, वो अगर आपके शरीर में हीट जनरेट नहीं रहेगा, आपका शरीर गर्म नहीं रहेगा, तो वो ठीक से निकल नहीं पाएगा। अगर आप ये जो प्रोसेस हो रहा है पीरियड्स का, अच्छे से फ्लो जा रहा है, ठीक है, अच्छे से वहाँ की गंदगी जो है क्लीन हो रही है, जो लास्ट टाइम अंडा फूट गया था, जो कि निषेचित नहीं हुआ था, उसकी गंदगियाँ हैं, तो सब कुछ पीरियड्स के दौरान 3 दिनों में बाहर आते हैं। अगर बाय द वे आप इन 3 दिनों के अंदर हेयर वॉश कर लेती हैं, सो फ्रेंड्स आपके बॉडी का टेम्परेचर तुरंत से गिर जाता है, क्योंकि शर्द होती हैं, बाल गीले होते हैं, फिर बाल सूखते हैं, वो स्काल्प को ठंडे करते हैं और ये ठंडा होता हुआ जो स्काल्प है वो पूरे शरीर के तापमान को गिरा देता है और इसमें आपका यूट्रस भी शामिल होता है। तो जैसे ही ठंडा हो जाएगा आपका शरीर, तो जितनी भी गंदगी है वो ठीक से नहीं निकलेगी, वो जम जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में कई सारी महिलाओं को क्लॉटिंग के जैसे भी पीरियड्स आने लगते हैं, पीरियड्स पूरी तरह से ठीक से खुल के नहीं आते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो ऐसी परेशानियाँ होती हैं जो कंसीव आपको नहीं होने देगी, क्योंकि यूट्रस आपका फिर से डेडी अगले महीने हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी सफाई हुई नहीं ठीक से। इस वजह से 3 दिनों तक आपको हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। जो तीसरा दिन होता है, ऐसे हम हिंदू शास्त्र की बात करें तो तीसरा दिन धोबी का होता है। धोबी का मतलब ये होता है कि आप उस दिन अपने
ऊपर सर से लेकर पैर तक के सारे अंगों को धोती हैं अच्छे से, जो कपड़ा आप पहनती हैं 3 दिनों के दौरान उसकी धुलाई करती हैं, जिस बेड पे सोती हैं उसकी धुलाई करती हैं। तो ये धोबी काल का इसीलिए व्याख्या किया गया है ताकि आप शर धो लीजिए अच्छे से, उस दिन शुद्ध हो जाइए, क्योंकि 3 दिनों के अंदर जितने भी गंदगी आपकी यूट्रस के अंदर मैल के रूप में जमा थी वो सब कुछ पीरियड्स के दौरान बाहर निकल चुकी होती है। तो 3रे दिन हेयर वॉश करिएगा, 3 दिनों के अंदर हेयर वॉश बिल्कुल भी मत करिएगा। अलावा फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी पीरियड्स खत्म हो जाती है तो उसी के 2रे दिन से आप फर्टिलिटी मसाज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फर्टिलिटी मसाज जो होती है यूट्रस के अंदर ब्लड को के फ्लो को ढकेलती है, यानी ब्लड का सर्कुलेशन यूट्रस की तरफ तेज करती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी यूट्रस में पहुंचता है और वहां से एग का जो निर्माण होता है वो काफी अच्छी गुणवत्ता के साथ होने में संभवतः सफल होता है। इस वजह से फर्टिलिटी मसाज करना काफी हेल्पफुल होता है यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं। ये फर्टिलिटी मसाज आपके पीरियड्स खत्म होने के 12 से 24 घंटे बाद चालू करना है, लेकिन आपको ये फर्टिलिटी मसाज ओनली 7 डेज ही करना है, यानी 7 दिनों तक ही करना है। जैसे ही ओवुलेशन का फेज स्टार्ट होगा, जो कि मैक्सिमम आपके पीरियड्स के 12वें दिन से चालू होता है या 14वें दिन से, तो उस समय आप इसको बंद कर दीजिए। यानी पीरियड्स के दौरान आपको 3 दिन बाल नहीं धोने हैं और पीरियड्स के बाद आपको फर्टिलिटी मसाज 7 डेज के लिए करना है। ये दोनों ही काम काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं जो आपके शरीर को रेडी करते हैं कंसीव कराने के लिए। बाकी नेचुरल डाइट, हेल्दी डाइट, बैलेंस लेना, इसके अलावा एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है यदि आप नेचुरल कंसेप्ट का ट्राई कर रहे हैं या फिर आप एडवांस ट्रीटमेंट की ओर जा रहे हैं। आई रियली होप कि वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, आपको बहुत जल्दी कंसीव कराएगी। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई पर्सनल इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या तो मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो करके या तो मुझे इंस्टाग्राम पेज पे आप फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे जो कंसीव करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। तो मिलती हूँ फिर मैं भी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छी हेल्पफुल टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।